अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अख्तर ब्लॉग। आज मैं आया हूँ कोलकाता के बांगुर इलाका में, और ये देखें ये बांगुर एवेन्यू, और ये देखें ये है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, और उसी के ठीक सामने है श्रीमन बैंक्यूट, और ये गेस्ट हाउस भी है, और ठीक इसके एकदम जस्ट बगल में है मुंबई मंचेस। बहुत बेहतरीन दुकान है ड्राई फ्रूट की, और यहाँ पर इम्पोर्टेड चॉकलेट वगैरह मिलते हैं और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में। तो चलिए मैं आपको शॉप के अंदर लेकर चलता हूँ, ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लूँगा। मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ, 136 ब्लॉक ए बांगुर एवेन्यू कोलकाता 55। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है यहाँ पर, गिफ्ट आइटम आप यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर देखें स्नैक्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, उसके अलावा ये सब भी आइटम आप देख सकते हो। तो ये सब देखने के लिए भाई वीडियो को एंड तक देखें और बिना स्किप किए, और बहुत ही मज़ा आने वाला। आज का वीडियो बिल्कुल अलग यूनिक होगा भाई। देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है, और इसी भीड़ में मैं आया हूँ एक वीडियो बनाने अपने व्यूवर के लिए, जो कि बिल्कुल यूनिक और अलग आइटम हमारे चैनल पर जाएगा। तो चलिए, एक हमारे बड़े साहब यहाँ पर हैं, वो कुछ यहाँ से माल खरीद रहे हैं, और जैसा कि सुनने मिला कि ये यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। नमस्कार भैया। नमस्कार सर, मैम बता रहे थे कि आप यहाँ से हमेशा माल लेते हैं। मतलब हम हमेशा माल लेते हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर क्या खासियत है कि आप यहीं पर आते हैं? व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा, और सब चीज़ें सब बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है। हाँ, और प्राइस वगैरह? प्राइस वगैरह सब रीजनेबल है। रीजनेबल है, तो मतलब खास करके इसीलिए इसी दुकान पर आते हैं, और सब दुकानों से बेहतर यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है आपको, प्राइस मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। काफ़ी सारा यहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी सारे वैरायटी है, और इतना वैरायटी एक शॉप में होना थोड़ा मुश्किल बात हो जाता है। बात हो जाता है जी। तो आप यहाँ से मतलब ले करके प्रोडक्ट वगैरह खरीद करके सेटिस्फाई है? वी आर फुली सेटिस्फाइड, है ना। चलिए सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका कि 2 मिनट आपने हमें एक कीमती वक्त दिया हमारे व्यूअर को। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से दरख्वास्त करता हूँ, वो लोग भी यहाँ आए, यहाँ से माल खरीदें, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर सामान मिलने वाला है, और बिल्कुल एक नंबर माल, मतलब आपको यहाँ पर 2 नंबर वाली कोई बात ही नहीं होगी। चलिए, तो चलिए आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, और यहाँ पर आइटम तो आप देख ही रहे हैं, मिलाते हैं शॉप के ऑनर से। ये हैं हमारी मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत ज़बरदस्त दुकान है भाई आपका, ये शॉप जो है मैं तो देख करके हैरान हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट आपके शॉप में हैं। परचेज आप कैसे करते होंगे कस्टमर का पसंद को ध्यान में रखते हुए? जी। तो सर मैम, पहले तो ये बता दें ये दुकान का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और लोग यहाँ अगर आना चाहें, ये तो ऑलरेडी मैंने कोलकाता का मेन एरिया से थोड़ा हटके है, ये कोलकाता 55 है, तो हमारे बहुत सारे व्यूवर जो है ये सब आइटम खोजते हैं भाई ये कहाँ मिलता है। और जैसा कि आपने बताया बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप यहाँ पर माल सेल करते हो, और यहाँ पर एक ख़ास बात मैं अपने व्यूवर को भी बता दूं कि यहाँ होलसेल एंड रिटेल दोनों ही होता है। तो रिटेल वाले जो हैं आसपास के इलाके में, जैसे लेक टाउन है और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, वो लोग तो यहाँ विज़िट कर ही लेंगे, और अगर किसी को ऑल इंडिया कहीं पर भी ये सब प्रोडक्ट चाहिए तो इनसे रब्ता करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। तो मैम बताएं दुकान का नाम, एड्रेस? मेरे दुकान का नाम है मुंबई मंचीस, और ये आपका पड़ता है 136 ब्लॉक ए बांगुर एवेन्यू, जो आपका लेक टाउन एरिया में आता है जी। और यहाँ पहुँचने के लिए आप सियालदा या हावड़ा से कोई भी एयरपोर्ट जाने वाली हर बस यहाँ से होते हुए ही जाती है। अच्छा, मतलब हावड़ा या सियालदा कहीं से भी एयरपोर्ट जाने वाली बस यहाँ से होते हुए। क्लॉक टावर है। अच्छा, जो एक लैंडमार्क है, जो कि हर एक कलकत्ता वासी जानता है, ये क्लॉक टावर एयरपोर्ट का रास्ते में जो पड़ता है सबको ही पता है। तो भाई यहाँ पर आकर के उतरे, और बाकी परेशानी हो यहाँ पहुँचने में तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा आप आके यहाँ कॉल करें, ये लोग गाइड कर लेंगे। क्या मैं? जी जरूर, है ना। और कैलकटा में रहने वालों को देखिए दूर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग कैलकटा ऑल ओवर कैलकटा डिलीवरी प्रोवाइड करते ही है, विद इन लाइक 24 आवर्स का एक टाइम पीरियड मांगते, प्लस मिनिमम बिलिंग आपका 1000 तक हो, तो हम लोग और अगर ऑल इंडिया अगर चाहेंगे बहुत कस्टमर्स तो उनके लिए मिनिमम परचेस कितने का होगा? देखिए मेरे भोपाल के भी कस्टमर्स हैं जो आते हैं, जो मदुरई हैं उनकी आती हैं यहाँ पे। अच्छा। तो उनसे परचेस होता है, तो कभी कभी वो कोरियर से भी ऑनलाइन पे कर देती है और कोरियर बुक कर देती है। अच्छा। तो मैं कोरियर चार्जेस जो होता है वो दे देती है, मैं कोरियर बुक कर देती हूं, कस्टमर ही देंगे। अच्छा, कोई बल्क में तक हमारे बाहर जाते हैं। अच्छा, हाँ, कोई अगर बल्क में माल लेना चाहे मैम जी, तो बल्क में भी माल चला जाएगा? जी जाता कार्टून है, कार्टून वगैरह में पैक कार्टून पैक करके जाता है, जाते ही है ना जी। तो चलिए मैडम,
पहले तो हम आपका प्रोडक्ट देखना चाहेंगे, और इतना सारा प्रोडक्ट है, हो सकता है मैं कुछ दिखा पाऊँ कुछ ना दिखा पाऊँ, मगर कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके दुकान का हर एक आइटम अपने व्यूवर को दिखा दूँ। चलिए कहाँ से शुरुआत करेंगे? देखिए, हम लोग का मेन जो मेरा मुंबई मंचीज के आइटम्स हैं। अच्छा, ये हम लोग फोकस करते हैं बेसिकली रोस्टेड आइटम्स पे। अच्छा, इसमें आपका हो गया ओट चिप्स, राजमा चिप्स, नाचनी चिप्स हो गया, आपका बीटरूट चिप्स हो गया, यहाँ तक कि मेरे पास जो आप लोग भुजिया खाते हैं सेव, वो तक रोस्टेड है, रागी के आटा का बना हुआ। आजकल सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बिल्कुल, उनको चाहिए कि नहीं हमें फ्राई नहीं चाहिए, मेरे पास वो भी है। साबूदाना, अभी जैसे हम लोग का त्योहार का टाइम गया, साबूदाना पापड़ी, ये भी आपका रोस्टेड है। ये सब मेरे ख्याल से गुजराती आइटम तो नहीं है? ये गुजराती है, कुछ महाराष्ट्रन है। अच्छा, सब मिक्स है, जैसे ये पात्रा आप बोल सकते हैं, ये गुजराती है, ये भी आपका रोस्टेड है, रोस्टेड ड्राई स्नैक्स है। वाओ। और हम लोग के हॉट सेलिंग आइटम जो दुकान के हैं वो है आपका बीटरूट चिप्स और आपका रागी चिप्स, ये मेरे शॉप के हॉट सेलिंग आइटम्स हैं। वाओ, मतलब जो कि कस्टमर मेरे को फोन करके रखते हैं कि जब ये आपका स्टॉक आएगा तो मुझे तो मेरे चार पैकेट छह पैकेट साइड करके रख दीजिए। भाई आप भी मंगा सकते हो यहाँ से, और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ये आपका बिल्कुल आसान जरिया है, आप कहीं पर भी हो मंगा सकते हैं। ये तो हो गया मैम, इसके अलावा ये हो गया मेरा रोस्टेड, उसके अलावा भी मैं हम लोग आपका इंडियन चॉकलेट्स बोलिए, इंपोर्टेड चॉकलेट्स बोलिए। इंपोर्टेड चॉकलेट, इंडियन चॉकलेट के बारे में तो इंडियन लोग जानते ही हैं, इंपोर्टेड चॉकलेट क्या, वो थोड़ा सा हमें नजारा करवा दें। इंपोर्टेड चॉकलेट्स में आपका लिंट हो गया, टॉबलर हो गया, ये आपका टॉबलर का पूरा रेंज है, मतलब हर जगह आपको येलो तो मिल जाता है, बल आपको फ्लेवर्स टॉबलर्स के नहीं मिलते, रिटर्स का चॉकलेट मिल जाता है, फिर आपका लिंट के चॉकलेट्स अवेलेबल हैं। ये सब इम्पोर्टेड है? हाँ, ये आपके इम्पोर्टेड कैडबरी है। अच्छा, ये इम्पोर्टेड कैडबरी है, क्या बात है भाई, जबरदस्त। M&M के बार्स हैं। अगर ये बोलूँ मैं कि मैं पहली बार देख रहा हूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा, इसलिए कि मैं चॉकलेट खाता नहीं था, और जो भी खाया हूँ भाई इंडियन ही खाया हूँ। लिंडोर के हैं जी। वाह, बहुत खूबसूरत है भाई। बॉक्स लो। और ये सब इम्पोर्टेड है ना? जी जी, ये भी है ना? वाओ, ये दुबई की चॉकलेट्स हैं। ये दुबई की है जी भाई, टेस्ट करना पड़ेगा कसम से, एक बार हमें भी यहाँ से बहुत सारा माल खरीदना होगा। और ये तो हो गए चॉकलेट, और ये सब जो है ये सब क्या है? ये आपके कैंडीज हैं, जो कि मार्शमेलो कैंडीज हैं, आजकल बच्चों को भी देखिए वैरायटी चाहिए, प्लस उनको शेप्स में चाहिए, ये आपके बच्चों के कैंडीज हो गए। ये आपका एक आता है जो रिंग की शेप में। अच्छा, ये बड़े भी लोग नहीं, बच्चों को भी सॉलिटेयर चाहिए होता है। अच्छा, ये देखिए ये लाइट है भाई, लाइट भी है, बहुत खूबसूरत है। और इसका एक और आता है आपका। अच्छा, ये लिपस्टिक तो नहीं है? लिपस्टिक, हाँ, ये लॉलीपॉप की जगह लिपस्टिक है। अच्छा, मतलब इसको खाया जा सकता है, क्या बात है भाई, लिपस्टिक खाने वाला पहली बार देख रहा हूँ, लगाने वाला तो बहुत देखा था, और ये आप देखें, ये खाने वाला लिपस्टिक है। चलिए, इसमें बहुत सारा वैरायटी है ना जी। चलिए, ये गोल्ड कॉइन कितने करके दे रहे हैं भाई? ये देखिए, इसका पैकेट आता है 130 का, 20 पीसेस का। 20 पीस आप गोल्ड कॉइन भाई 130 रुपए में लेकर के जाइए, क्या बात है। और ऐसे कुकीज में आप बोलिए, खारी बिस्किट्स में बोलिए, वो सब आपका ये पैकेट हो गया। ये अच्छा, ये इधर कुकीज वगैरह केक्स वगैरह यहाँ पर है जी। तो इसके भी सारे वैरायटी आपके। अच्छा, इसमें सब टोटल इंडियन माल है ना? टोटल इंडियन है, कुछ इंपोर्टेड भी है, जैसे फॉक्स कंपनी के आपने टॉफी सुने होंगे जी, फॉक्स की कुकीज भी है। ये देखे, ये है कुकीज फॉक्स के, तो काफी सारा यहाँ पर वैरायटी है, बिल्कुल यूनिक अलग और जबरदस्त कलेक्शन, जो कि भाई एक एक के बारे में बताने से मतलब मेरा पूरा दिन लग जाएगा, तो आप सिर्फ कैमरा पे देख सकते हो कितना सारा वैरायटी है। अच्छा, ये सब क्या है मैम? ये सब आपका चॉकलेट्स है, सब चॉकलेट्स जेलीज हैं, चॉकलेट्स हैं। अच्छा, ये गिफ्ट देने वाले चॉकलेट्स पैकिंग है पूरा, ये गिफ्ट देने वाले चॉकलेट्स हैं। कुछ आपके पास हैम्पर वगैरह भी मैंने देखे थे। हैम्पर भी हैं, ये आपके फ्रूट शैंपेन्स है पूरे। अच्छा अच्छा, ये शैंपियन है? हाँ। वाह, ये मतलब पार्टी वगैरह मनाने के टाइम ये ज्यादातर, मतलब जरूरी नहीं आपकी अल्कोहल पीते हैं तो ही आप शैंपेन खोल सकते हैं। अच्छा, ये सब नॉन अल्कोहलिक चैंपियंस हैं। क्या बात है भाई, ये तो और मैंने खुशी की बात, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं अल्कोहल। ये आपका फॉक्स चैंपियन है। अच्छा, इसका लुक देखिए। वाह, और ये मतलब हिला करके जब खोला जाता है तो पूरा एकदम एक फवारे की तरह निकलता है। हैंपर्स है जो हम लोग बेस पे बनाते हैं, बहुत जन क्या आइटम्स के प्राइस देने चाहते हैं लेकिन उनको
ट्रे कॉस्टली लगता है। अच्छा, तो ये सब बेस में होता है तो ये मिनिमल आपका 50-60 रुपीज ऊपर लगता है, मगर प्लस आइटम्स का ही प्राइस आप पे करते हो। अच्छा, रूम हैम्पर्स भी हमारे बहुत सारे इसमें बनते हैं, क्योंकि देखिए जो भी शादी के लिए बाहर से आते हैं सबको लगेज का एक प्रॉब्लम रहता है। बिल्कुल, कि मैं वेट नहीं कैरी कर सकता हूँ। तो ये क्या MDF है? MDF तो ये क्या उन्होंने सामान ले लिया और MDF अपना होटल में भी रख के चले गए, तो किसी को अखड़ता नहीं है कि मैंने इतनी ब्यूटीफुल बास्केट छोड़ दी कि मैं कैरी नहीं कर सकता था। ये सब और हमारे बास्केट जैसे हैं वेडिंग सीजन के लिए। ये पूरा का पूरा ड्राई फ्रूट, और इसमें आपका चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट है, मॉकटेल्स है, सुपारी है जी। ये शादी सीजन में भी चलता है। शादी सीजन में ज्यादा मतलब इस जी लड़की वाला लड़का को, लड़का वाला लड़की को देता है ये गिफ्ट। ये भी आपका देखिए मेरा स्टार्टिंग है आपका 200-250 से भी आपके रूम हैम्पर्स बन जाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपका बजट नहीं होता है रूम हैम्पर का, मतलब 250 में भी आपका पास रूम हैम्पर में अरेंज कर, 200-250 से भी स्टार्टिंग में रूम हैम्पर आपको अरेंज करके दे। ये तो हुआ मिनिमम, मैक्सिमम अगर कोई बनाना चाहे तो कितने का बनता है? 1000 रुपीस तक का भी बनता है। बनता है जिसमें आपके प्रीमियम चॉकलेट्स वगैरह रहते हैं, ड्रिंक्स प्रीमियम रहते हैं, कैंस रहते हैं, वो सब है। तो भाई प्रीमियम आपको बनाना, मतलब 200 से स्टार्ट है इस तरीके से हैम्पर आपके ये सब अपने हम लोग बनाते हैं, स्पेशलाइज करते हैं। जैसे ये आपका हो गया, ये किसी का एक थीम का बना हुआ है, यूनिकॉर्न थीम का। अच्छा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है भाई। और ये किसी को अगर गिफ्ट दे तो कसम से उछल पड़ेगा ये गिफ्ट लेकर के, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ड्राई फ्रूट भी आपके पास पूरा मतलब अवेलेबल है ना? ड्राई फ्रूट क्या ये बॉक्सेस भी मिलते हैं? क्या केजी हिसाब से भी मिलते हैं? ये आपके बॉक्सेस भी हैं जो आजकल लोग बहुत प्रेफर करते हैं जी, क्योंकि आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें ड्राई फ्रूट भर के, इसमें जो जार हैं वो उसमें ड्राई फ्रूट या लड्डू वगैरह कुछ भी। अभी हम लोग जैसे कस्टमर जैसे जिनका बजट होता है ड्राई फ्रूट भर के देते हैं, कोई कुछ और भर के, ये बाद में भी कस्टमर कैसे यूज कर सकता है? घर में कोई भी गेस्ट है, आप इसमें 2 में नमकीन 1 में चूरन सुपारी रखे, या जैसे भी रख के आपने बॉक्स बंद कर दिया, बंद कर दिया, जब गेस्ट आए बस ये डब्बा सामने रखे आपके स्नैक्स सर्व हो गए। चलिए बहुत सही, इसके भी 3 रेंज है। अच्छा, 2 जार्स का है, 3 जार्स, 4 जार्स। चलिए, तो ये आपने देखा यहाँ पर जार भी काफी सारे हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और ड्राई फ्रूट का जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब क्या है मैम? छोटा छोटा आपका बड़ा चीज पाउडर है, ये केक डेकोरेशन है, है ना? केक डेकोरेशन के लिए पूरा सामान है। वाओ, ये आपके ड्राइड फ्रूट्स हैं। ये देखे फ्रूट तो अलग टाइप का दिख रहा है भाई, ये मैंने पहली बार देखा, मतलब काजू पिस्ता बादाम अखरोट ये सब तो देखे थे। ये सब क्या है? ये क्या येलो वाला? ये आपका येलो गोल्डन प्लम है। गोल्डन प्लम, और ये इसके राइट साइड वाला, ये स्ट्रॉबेरी है, ये ब्लूबेरी है, उसके बाद आपका क्रिस्टल चेरी, क्रैनबेरी, पाइनएप्पल, ये ब्लैक रेजिंस हैं, ये आपका है कीवी, ये मसाला प्लम है, और आपका ये ड्राई ब्लैक प्लम। वाओ, अच्छा ये सब ड्राई है ना? हाँ। वाह जबरदस्त। अच्छा ये हो गया, ये जो मैंने बता रहा था अभी काजू किशमिश ये सब है, ये ऊपर में क्या दिख रहा है मैम? ये आपके गिफ्ट पैक्स हैं, जैसे कस्टमर्स को चाहिए होता है कि किसी को बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो गिफ्ट करने। और ये तो प्रीमियम चॉकलेट, प्रीमियम चॉकलेट 200-250 से स्टार्टिंग है, 500 तक जाते हैं। चलिए बहुत ही खूबसूरत। और इधर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपका ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स है। अच्छा, जैसे आजकल बहुत जन बोलते हैं नहीं ड्राई फ्रूट पुराना हो गया हमको कुछ ऐसा, तो ये आपके ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स हो गए जो बहुत इस बार दिवाली में चले। बोला जाए मेरे हिसाब से कि गिफ्ट पैकिंग के लिए, मैंने गिफ्ट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए ये दुकान मुंबई मंचेस जबरदस्त दुकान है, तो वो कोई गलत नहीं होगा क्या? हमारे बहुत कस्टमर है जो आते हैं बोलते हैं हम सोच के कुछ आते हैं लेने, लेकिन आपकी दुकान हमें इतना कंफ्यूज कर देती है। पहले सही बात है, मैं भी ये समझ में नहीं आता क्या ले क्या छोड़े। मैं तो जब ये इस दुकान पे मैंने कदम रखा तो मैं ये सोच रहा था कि आप इतना माल कैसे परचेस करते हो भाई। इसके लिए तो दिमाग चाहिए ना कि अपने कस्टमर को हम कैसे खुश रखें, क्या उनका डिमांड है, क्या उनको देना है। और वाकई में एक एक छोटा से छोटा आइटम आपके पास यहाँ पर मिलने वाला। अच्छा ये क्या है मैम? ये सब भी आपका रोस्टेड स्नैक्स है। अच्छा, ये पूरे बॉक्सेस में आते हैं ना? अच्छा, इधर में थोड़ा सा बता दें, ये आपका प्रिंगल्स है। अच्छा, ये आपके नीचे वही फ्रूट बियर है, बेसिल ड्रिंक्स। अच्छा, हैं जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं। अच्छा, ये बियर रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, ये है। आपका फ्रूट बियर है, 0% अल्कोहल। इसलिए कि बियर की दुकान तो एकदम ताला चाबी लगा रहता है भाई। नहीं नहीं, ये देखे ये फ्रूट बियर है सब। ये बेसिल ड्रिंक्स है नीचे। अच्छा, ये आपका टॉय कैंडीज है। वाओ, ये देखे भाई टॉय कैंडीज।
इसमें अंदर कैंडी भी रहती है प्लस टॉयज भी रहते हैं। अच्छा, ये बच्चों का पसंदीदा आइटम है, बच्चे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ये कुछ अलग एक सेक्शन आपने बना के रखा हुआ है, ये सेक्शन के बारे में आपको हाजमा भी तो चाहिए इतना खा पी के। अच्छा, ये मतलब पूरा खिला के उसके बाद हाजमा भी दे रहे हैं, जिसे मुखवास भी बोला जा सकता है। मुखवास बोला जाता है, चूरन, सुपारी, कैंडीज। क्या बात है भाई, और काफी सारा यहाँ पर है। ये देखे ऊपर से लेके ये पूरा सेक्शन ही मतलब अलग है। चलिए और कुछ दिखाएंगे मैम, और आइटम तो काफी सारा है भाई, सब पूरा होता है यहाँ पे, बस ये बोल सकते हैं। चलिए और कुछ स्पेशल कुछ है ऐसा, कुछ दिखाया जा सके कि आपके व्यूवर जो है यहाँ पर इसके लिए आते हों? मेरे व्यूअर्स तो सब कुछ के लिए आते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा। बस जैसे उनके प्लेटर्स होते हैं उसमें जैसे हम आजकल दिया है ये भी हम लोग बना के देते हैं। अच्छा, तो उनकी वेडिंग के जैसे ट्रेज होते हैं, हल्दी मेहंदी, हल्दी प्लेटर्स हो गया, मेहंदी प्लेटर्स हो गया। वाह, इसमें भी काफी सारा डिजाइन है भाई, काफी सारा बनाते हैं। अच्छा, चलिए वाकई में मतलब ये जैसा दुकान है एक एक पर्टिकुलर आइटम पकड़ पकड़ के दिखाना पॉसिबल नहीं था। मैं अपने व्यूवर से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर कैंडीज, कुकीज और उसके अलावा जो आप फ्रूट बियर और इस तरह के शैम्पियन वगैरह जो आप देख रहे हो पूरे एक वीडियो में, और स्नैक्स जो कि इनका अपना होम प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है, ये देखिए रोस्टेड है, और मुंबई मंचेस ये जो है इनके शॉप का भी नाम है, और यहाँ पर इतने सारे वैरायटी इस चीज़ के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बार विजिट कीजिए, और अगर विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें। ऑल इंडिया कहीं से भी हो, बल्क में माल अगर आपको मंगवाना है तो एक बार यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करें, आपका ऑल इंडिया कहीं पर भी माल चला जाएगा। क्या मैम? अच्छा, उसके लिए मिनिमम परचेस कितने का, जैसे बॉक्स एक तो होता है, हम लोग कलकत्ता में मिनिमम परचेस 1000 का करते हैं। अच्छा, कलकत्ता में अगर जो लोग हैं तो वो 1000 का अगर परचेस करेंगे तो उनके घर तक कुरियर? ऐसे तो देखिए बोलने का बात है, मेरे आसपास के एरिया में 500 का भी हैम्पर्स हम लोग डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, आसपास तो खैर पॉसिबल रहता है, डिलीवरी फ्री है ड्राइवर, तो हम लोग 500 तक का भी कर देते हैं। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि कस्टमर को ना ना बोले, ना ना किसी ना किसी तरीके से उनका जो भी पर्पस सॉल्व करा के ही बिल्कुल डील क्लोज करे। तो अगर कोई बल्क में माल अगर ऑर्डर करना चाहे मैम, जैसे कि मान के चलिए 20,000, 25,000, 50,000, तो वो ऑल इंडिया कहीं पर भी सर्विस हो जाएगा उनका, मतलब माल पहुंच जाएगा जी। तो भाई यहाँ पर एक बार विजिट करें या फिर ऑर्डर प्लेस करें। मैम बहुत अच्छा लगा आपका दुकान, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने व्यूवर को और आपके कस्टमर को ये दुकान दिखाऊँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।